स्वागत करते हैं दोस्तों अपने ही YouTube चैनल DB परफेक्ट न्यूज में। जी हां दोस्तों, मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कड़ाके की ठंड के बीच देश के इन हिस्सों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में, आखिरकार देश के कौन से हिस्से हैं जिनमें बारिश होने की संभावना है और किस इलाके में कितनी ठंड पड़ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पहाड़ों में हिमपात का दौर जारी है। इस बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का भी अनुमान है। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बुधवार तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेन्नई और आसपास के जिलों में सोमवार को भारी बारिश हुई, जबकि कई तटीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। IMD के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में तिरुवल्लुवर जिले के एक या दो स्थानों पर भी झमाझम बारिश होगी। जी हां दोस्तों, और आपको बता दें कि शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद चेन्नई में पारा में गिरावट दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो औसत 29.3 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है। चेन्नई के मौसम विज्ञान उप महानिदेशक बालचंद्रन ने कहा कि उत्तरीय तटीय क्षेत्र और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में भी मंगलवार को मध्यम बारिश होगी। बयान में कहा गया है कि निचले स्तर पर तेज पूर्वी और ऊपरी स्तर पर पश्चिमी हवाओं ने राज्य में बारिश शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली व NCR में 21 से 22 जनवरी के आसपास बारिश होने की संभावना है, जब तक तापमान सामान्य से कुछ कम रह सकता है। 21 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर इजाफा होगा और ये 10 या इससे अधिक तक पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, तो ये था छोटा सा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।